हेलो कसकाई मंडली एंड स्वागत है आप सभी लोगों का एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। एंड दोबारा से हम लोग आज वापस वही गेम प्ले वही गेम और वहीं पे आ चुके हैं। तो देखते हैं आज हम लोग क्या प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो स्वागत है गाइज आप सभी का कार फॉर सेल सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। एंड आप सभी को पता होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था। हाँ सभी को पता होगा शायद हम लोगों ने, अगर नहीं नहीं पता हो तो प्लीज चेक आउट लास्ट वीडियो गाइस। हम लोगों ने इस गाड़ी को कैसे तैसे खरीदा था और ये ग्रैनी की गाड़ी है, हो सकता है आप सभी को पता हो। तो फटाफट से हम लोग ऑफिस ओपन करते हैं। एंड आज हमारा टारगेट है कि 20,000 रुपये जो हमारे पास है, $20,000, उसको हम 1 मिलियन तक ले जाए। तो देखते कुछ अपडेट्स भी आए हैं। हम लोगों ने अपडेट तो किया था, मैंने लास्ट टाइम वो जो बेगर होता है उसको एम्प्लॉयमेंट देने का जो अपडेट था वहाँ तक का अपडेट किया हुआ है। एंड लेटेस्ट जो कार की रेसेस वगैरह आई है उन सब का अपडेट अभी तक मैंने किया नहीं है। तो मेक श्योर आई विल डू इट इन नेक्स्ट एपिसोड, हम लोग वो करेंगे। बट तब तक ये थोड़ा ओल्ड गेम प्ले है, तो आप इसको देख के हम लोग कितना प्रोग्रेस करते हैं आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। तब तक देखते हैं कि हम लोग क्या आज इस गाड़ी को कितने में बेचेंगे। कस्टमर आने का है अभी तक, तो चलते फटाफट से। अरे भाई कस्टमर तो आ चुका है, फटाफट प्रोग्रेस करना है हमको इस बार, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ग्रानी की गाड़ी है, पता नहीं कितने में जाएगी। बोलो भाई साहब कितने में ले सकते हैं आप? 50,000 हमने इसका कॉस्ट लगाया क्योंकि ग्रानी की गाड़ी है मेरे भाई। ओके तो हमारा इसमें के तो ये 50,000 बोल रहा है, तो क्या हम लोग इसको 40,000 में बेच सकते हैं? आई गेस बेचना चाहिए क्योंकि हमको थोड़ा सा पैसा मिले। ओ माई गॉड, ग्रैनी की जो गाड़ी थी हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया मस्त डील हो गई, और पहले ही इसमें हमारे $60,000 हो चुके हैं मेरे गाइस। ऑफिस इज क्लोज, और ये देखिए अभी काफ़ी कुछ ग्लीचेस जो थे वो सब कुछ रिमूव हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि अभी जो हमको हमेशा नोटिफिकेशन आते थे कि हमारा ऑफिस गंदा है गंदा है, बट नहीं अभी सब ठीक हो गया है। चलो एक आधी सुपर कार देखते हैं हम लोग फटाफट। कुछ अच्छी कॉस्टली गाड़ी देखना चाहिए। और ये काफिला देखो क्या तेज गाड़ी चलाते हैं मेरे भाई, ऐसा तेज मत चलाया करो यार, डर लगता है बच्चे की जान ले दो क्या? अरे आंटी क्या बोलते हो, बढ़िया गाड़ी लग रही है आपकी, बोलिए कितने में दोगे गाड़ी? गाड़ी अरे इतनी सस्ती तो हम गाड़ी लेते ही नहीं है, हमको कम से कम 60,000 की गाड़ी होना चाहिए, लेना चाहिए। ये देखिए अभी पहाड़ भी अच्छे दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, गेम डेवलप जैसा जैसा हो रहा है तो अच्छा मज़ा आ रहा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो कैसा दिन ब दिन हम लोग अच्छे से प्रोग्रेस भी कर पाएंगे और अच्छी खासी चीज़ें भी हम लोगों को मिलेगी। ये एसयूवी लग रही है, देखते कितने में देंगे काका। काका कितने में दोगे? 30,000 बोल रहा है, इसको बार्गेन करते। अगर ये 24,999 में देगा तो मज़ा आ जाएगा। ओके तो इसको हम लोग करते हैं 25,000, इससे ऊपर नहीं दे सकते मेरे भाई। ओके तो आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए सर, हम चलते हैं दूसरी गाड़ी ढूंढने। हमारा क्या है, ये कौन सी गाड़ी है? काफ़ी डैमेज भी लग रही है। लेट्स चेक क्या फियात 500 मिनी? नहीं यार इतनी सस्ती तो गाड़ी हमको लेना ही नहीं है। अब एक सुपरा उपरा बढ़िया सुपर कार वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा इस। हम एक सुपर कार के नहीं, ये भी सुपर कार नहीं है, पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है, ये है ऑडी, ऑडी S5। चलो आज हम लोग ऑडी S5 लेके चलते हैं। 18,000 में दे दे भैया, भैया दे दो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मच बेटर प्राइस। तुम कितना कितने में दोगे? 19,000 में दे दो यार। चलो आपका ना मेरा। ओके मेरे भाई ये गाड़ी हमारी मिल चुकी है हमको। हम अरे बैठना नहीं है मेरे भाई, इसका हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेटस है गाड़ी का, पूरी चकाचक है। तो एक काम करेंगे इसको ना हम लोग फटाफट से करते हैं तो वहाँ से पार्सल कर लेंगे हम लोग गाड़ी को। ट्रक तो हमको चाहिए ही नहीं, ट्रक वगैरह हम नहीं लेते भाई साहब, सीधा चलते हैं कुछ अच्छा सा मिले। और एक आधी गाड़ी क्या बोलते हैं गाइस, और एक गाड़ी खरीदे है ना, ये और एक गाड़ी खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसा थोड़ा काफ़ी अच्छा है अभी फिलहाल, थोड़ा 30-40 हज़ार की गाड़ी मिले तो मज़ा आ जाए। हम लोग फटाफट से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी जो भी है हम लोग पैसा बढ़ा सकते हैं। सही है, तो देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी मिल सकती है क्या हमको। और मार्केट भी अभी बंद है तो ओके लेट इट बी। ये गाड़ी ये ऑडी हम लोग सस्ती है, बट ये भी नहीं हुए, ये भी सस्ती गाड़ी है। वो ये कौन सी गाड़ी है, ये कुछ नहीं दिख रही, बट काफ़ी डैमेज है गाइस।
स्कोडा कोडियोर क्या है, 23,000 की गाड़ी है, इसको बार्गेन करते हैं हम लोग 21,000 में। मैडम जी 21,000 का ऑफर अच्छा है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑफर रहा और आपका काफ़ी शुक्रिया। ये भी गाड़ी अच्छी है, इसका स्टेटस देख लेते हैं, काफ़ी डैमेज है तो हम लोग इसको सीधा रिपेयर सेंटर में डालते हैं और अब चलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक गाड़ी खरीद लिए। चलो ठीक है, आप बोलते हो तो और एक गाड़ी हम लोग खरीद सकते हैं। ओ मेरे भाई, इतना तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। हाँ ये है हमारा ड्रीम हाउस, ये हम लोग ज़रूर लेंगे, बट फिलहाल नहीं लेंगे, ये गाड़ी की कीमत देखते हैं, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, कुछ 10-20 हज़ार में दे। और भाई ये तो अपने बजट में है, तो इतना पैसा तो हम रख सकते हैं, 10,000, ज़्यादा नहीं, 10,000 का ऑफर देंगे भैया हम आपको, एक्सपेक्टिंग मच हायर प्राइस, तो कितना दोगे? चलो 11,000 में ले लेते गाइस, क्योंकि है ना ये अभी हमारा जो बार्गेनिंग स्किल है अभी भी इतना अपडेट नहीं हुआ है, और जैसा ही मैंने बोला ये देखो बार्गेनिंग स्किल, नहीं हम लोग ना ये स्टेटस वाला एक बार अनलॉक कर लेते, क्योंकि स्किल के भी हमको काफ़ी ज़रूरत होगी, तो लेट्स अनलॉक दिस। ओके गाइस, तो हम लोग कार का स्टेटस भी देख सकते हैं जब हम लोग कार खरीदने जाएंगे। ओके दिस दिस व्हीकल इज ऑल्सो नाइस, तो क्या हम लोग गाड़ी को चलाए इस बार, एक काम करते गाड़ी को चलाते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या हम लोग गाड़ी कैसी चलती है, और गाड़ी तो मक्खन लग रही है मेरे भाई, चल जा चल जा, अच्छे से चल जा। ओके तो हम लोग सीधा चलते हैं, कहाँ चलेंगे हम लोग, सीधा जाएंगे हमारे दुकान में, और जो जो गाड़ियाँ हम लोगों ने सेल पे डाली है वो भी देख के आते, यहाँ से जा सकती है गाड़ी। अरे 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 अरे, ये तो काफ़ी डोल रही है मेरे भाई, अरे आराम से आराम से आराम से, डैमेज डैमेज नहीं, डैमेज डैमेज, ईमानदारी से चलाएंगे गाड़ी, पैसा बनाना है, पैसा पैसा इनका धंधा है भाई अपना। ओके गाइस हम लोग आराम से आ तो चुके हैं, कहाँ आए हम लोगों को पता नहीं, और डायरेक्ट अपना दुकान आया है मेरे भाई। तो ये गाड़ी को हम लोग ना थोड़ा बहुत पेंट वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इसमें कुछ ट्यूनिंग वगैरह करें, हाँ थोड़ा सा ट्यूनिंग करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि हम लोग अगर गाड़ी को ट्यूनिंग करके बेचते हैं तो गाड़ी का कीमत अच्छा मिलता है, तो लेट्स चेक गाइस क्या होता है। गाड़ी से उतरते हो, काका से बात करते हैं, हम लोग इसमें टर्बो लगाते हैं, एनओएस लगाते हैं, रेसिंग किट भी लगाते हैं, और ठीक है इतना काफ़ी है। व्हील्स वगैरह की बात कौन कर रहा है भाई, व्हील्स वगैरह अभी फ़िलहाल हम लोग इतना नहीं कर सकते, तो अभी फ़िलहाल ठीक है, ये गाड़ी तो हमारी हो चुकी है तैयार, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं सीधा ऑटो पेंट्स में। ओके परफेक्ट, अरे नहीं ठोकना नहीं मेरे भाई, गाड़ी के कंट्रोल ना काफ़ी थोड़ा टफ है, तो ओके इंजन बंद करते हैं। भैया आप इसको रंग दो, हाँ रंग दो आप, हम इसको रंग दो, थोड़ा सा रंग दो, मज़ा आ जाएगा गाड़ी रंग के, क्या बोलते हो गाइस, ग्रीन करते हैं इस बार, नहीं ग्रीन तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, तो थोड़ा इसको ब्लू करते, ठीक है ये पेंट हो गया, और इसको थोड़ा सा पॉलिश मेटालिक करे, अच्छा लगेगा, स्मूथनेस थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देते, और ये स्मूथनेस भी बढ़ा दिया, और ये गाड़ी हो गई हमारी एवर ग्रीन। तो ठीक है कार में एंटर करते हैं, इंजन चालू, और ये गाड़ी हमारी पीछे, लो भाई आराम से, आन दे आन दे आन दे। ओके ओके गाइस, तो हमारी फर्स्ट व्हीकल तो ओके ओके रेडी हो गई है, तो हम लोग इसको सीधा सेल पे लगाते हैं। अरे ये तो ऐसा डोलता है ना, इसका कैमरा की पूछो नहीं, इसके कंट्रोल्स काफ़ी गंदे हैं। चलो ठीक है, ये गाड़ी हम लोग यहाँ पे पार्क करेंगे, इंजन बंद करेंगे, और इसको सीधा हम लोग ना सेल, नहीं पहले एक मैं काम करूँगा कि हम लोग सीधा चलते हैं, पहले वो जो गाड़ियाँ है उसको रिपेयर पे डाल देते हैं, और वो जो दूसरी गाड़ी जो चकाचक है उसको हम लोग फिर से उसको बढ़िया बनाते हैं, और देखते हैं उसका कितना प्राइस हमको मिलता है। क्या चाचा, ये तो बोल रहे कि गाड़ी तुम्हारी सब सही है, ये वाली गाड़ी काफ़ी डैमेज थी, तो भैया आप इसको रिपेयर कर दीजिए, तब तक हम ना इसको लेके चलते हैं, और ये मैं बार बार क्या ओपन कर देता हूँ, ठीक है चलो ठीक है, ये गाड़ी का कैमरा एंगल सेट हो चुका है, और इसको हम लोग सीधा लेके जाएंगे दुकान में, इसको तो हम लोग जैसा है वैसा ही बेचने वाले, इसमें कुछ नहीं करने वाला, वो काफिला जाने दो मेरे भाई, ये काफिला काफ़ी तकलीफ देता है हमको, नहीं तो चलो इसको आराम से पार्क करेंगे, जो गाड़ी अच्छी है उसको टकराना नहीं है, हमको डैमेज नहीं देना है। ओके तो परफेक्टली हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, जब तक वो गाड़ी रिपेयर होंगी हम इस गाड़ी को बेचने के लिए डाल देते हैं। जी जी करेक्ट करेक्ट ओके। तो भैया ये गाड़ी ऑडी है, 14,800 बाय प्राइस 19 में, 14,000 किलोमीटर चली है, तो हम लोग इसका प्राइस डालेंगे 29,999, क्या बोलते हो गाइस,
हाँ डाल देते हो। और ये जो गाड़ी है 11,000 में है, तो इसका करेंगे 20,000, ज़्यादा नहीं। और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। तो दो गाड़ियाँ हमारी सेल पे लग चुकी है, बारी है अभी थर्ड वाली कार की। तो फटाफट चल के वो गाड़ी लेके आते हैं गाइस, रिपेयर में तो डली हुई है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, तब तक कस्टमर भी आ जाएंगे। और भैया कितना टाइम लगने वाला है? भैया बोल रहे हो कि 65% हो चुकी है। तो लेट्स वेट गाइस, कस्टमर भी हमारे दुकान में आने वाले हैं, लेट्स गो। ये गाड़ी होते ही जैसे ही रिपेयर होती है, हम लोग इसको फटाफट वैसे ही लेके जाएंगे। ओ भाई इसके अलॉय व्हील्स देख सकते हो, क्या अब तगड़े वाले अलॉय व्हील्स है। कोई नहीं, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, एक कस्टमर आ चुका है शायद से। भाई आप रुकिए थोड़ा सा, हम लोग तभी ये गाड़ी को भी लेके आते हैं। तो दोबारा क्या चेयर पे बैठ सकते हैं हम लोग? नहीं, आई गेस नॉट। लो भैया कितनी कितना टाइम लगेगा? कल पनवेल भी जाना है हमको। अरे धन्यवाद भैया, जैसा पनवेल का नाम लिया तो गाड़ी तो बिल्कुल तैयार हो गई हमारी। फटाफट से इसमें गाड़ी में बैठते हैं और एंटर करके इसका इग्निशन चालू करते हैं और गाड़ी को हम लोग लेके चलते हैं सीधा शोरूम में। क्या बोलते हैं गाइस, इसको भी एनओएस वगैरह लगाए? मेरे को लग रहा है कि लगाना चाहिए। अरे ये कहाँ कैमरा का एंगल हो गया भैया जी, इसको ना थोड़ा सा एनओएस वगैरह किट लगा दीजिए ना, थोड़ा सा पैसे कम लिया करो यार हमसे। सब लगा दो, सब 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 लगाएंगे हम, सब सब हमको सब चाहिए। ओ भाई ये तो रात भी हो गई। कोई नहीं, रात हो गई है, रात होएगी तो हम फटाफट से चलते अपने, क्या बोलते हैं, कंटेनर में जाना चाहिए हमको शायद। कंटेनर में चलते हैं, नींद लेंगे और सुबह फटाफट से हम लोग आके इस गाड़ी को बेचने को डालेंगे। अरे भाई पेंट वगैरह नहीं करना है, गाड़ियाँ ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है बिल्कुल। हाँ ठीक है, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या बोलते हो गाइस, गाड़ी बेचना चाहिए हमको? आई गेस मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी के कस्टमर आए तो निकाल दे गाड़ी। नहीं बट अभी ना हम लोग शायद ये कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और जब तक हम लोग ये गाड़ी पार करेंगे ना, तब तक कस्टमर का यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा मेरे को ऐसा लगता है। कोई नहीं, तभी भी हम लोग ट्राई करते हैं, पहला कस्टमर क्या बोलता है देखते हैं। जी मैडम जी बोलिए। अरे मैडम जी तो निकल लिए, तब तक के सर क्या बोलते देखते हैं। जी सर 20,000 का है, ओके। आई एम थिंकिंग, ओके द प्राइस, नो नो डोंट सेल। भैया आप चले जाओ, हम जा रहे हैं सोने, हम आपसे कल बात करेंगे। तब तक कस्टमर आएंगे तो हम लोग से कल बात करेंगे। चलते हैं अपने कंटेनर में और फटाफट जाके नींद लेते हैं अच्छी ताज़ी वाली, और फिर दूसरे दिन देखेंगे कि हम लोग कितना प्रोग्रेस कर पाते हैं। आज लॉस में चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम लोग मुनाफा, करेंगे बहुत ज़्यादा मुनाफा करेंगे। ओके गाइस दूसरा दिन हो चुका है, फटाफट चलते हैं। चलो चलो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपने ऑफिस में कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं आज। ओके तो कस्टमर फिलहाल तो नहीं है, तब तक हम लोग क्या करेंगे ना, ये गाड़ी को बढ़िया से एकदम सेल पे लगा देते हैं। तो ये गाड़ी को हम लोगों ने काफ़ी खर्चा भी किया, ऑलमोस्ट किलोमीटर 99, ओके 3,000 लगाए, तो ये हमारी टोटल हो गई। तो हम लोग इसको 40,000 डाल के देखते हैं, अगर गई तो अच्छा है, क्या बोलते हो, है ना? हाँ, और हम लोगों को ना वो बार में जाके वो बंदे से टैबलेट भी खरीदना है, ताकि हम लोग फोटो वोटो खींचते रहे यार, फोटो वोटो खींचना चाहिए। रेड बार में चलते हैं हम लोग ना, टैबलेट लेके आते हैं फटाफट, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है गेस। क्या मेरे पास ऑलरेडी है? कौन बोल रहा है वो ऑलरेडी है करके? मेरे पास नहीं है ना, हमारे पास टैबलेट नहीं है। तो हम लोग ना बार में जाके बढ़िया वो बंदे से टैबलेट खरीदते हैं। ओ भाई साहब टैबलेट दे दो यार हमको, थैंक यू वेरी मच, आपसे हम लोग मिलते रहेंगे आराम से। तो टैबलेट आ चुका है गाइस हमारे पास, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर जगह से हम लोग कैसा कहीं पे भी हम लोग रहे तो वहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी सेल पे लगा सकते हैं वहाँ। ओ भाई कस्टमर का तो कस्टमर की तो बाढ़ आ चुकी है मेरे भाई। जी आंटी जी बोलिए, ज़्यादा प्राइस नहीं है, एकदम सस्ती रखी है। हाँ हाँ बिल्कुल सस्ती। ओ भाई ये तो 22 देने को तैयार हो गई है। तो क्या हम लोग इसको 26,999 में दे सकते हो? हमको दे सकते हो आप इतना? तो जी आंटी जी आप ना थोड़ा सा रुक जाइए ना, हमको आपको नहीं बेचना है गाड़ी, ठीक है? ओ ये गाड़ी के लिए तो तगड़ी भीड़ आ चुकी है मेरे भाई, 40,000 में। हाँ ज़्यादा नहीं है, क्या बात कर रहे हो, आई थिंक द प्राइस इज रिजनेबल। भाई तो लेके जाओ ना गाड़ी, आप बोल रहे हो तो लेके जाओ ना मेरे भाई, बिल्कुल एकदम तगड़ी तगड़ी प्राइस में गई मेरे भाई। नहीं, इतना सस्ता नहीं बेचना है हमको, बिल्कुल भी एकदम इतना सस्ता नहीं है।
ओके, तो कस्टमर ऑफिस ऑफिस इज डर्टी, यू हैव अनपेड बिल्स. ओके, अनपेड बिल्स भी बोल रहा है, तो देखना पड़ेगा. बिल्स वगैरह तो हम लोग पेड करते रहेंगे, बट मेरा ऑफिस गंदा कहाँ से मेरे भाई. 42,000 है. ठीक है, जब तक कस्टमर आते हो तो क्या गाइस, हम लोग नेबरहुड चलते हैं, कुछ अच्छा सुपर कार वगैरह मिलती हो तो मज़ा आ जाएगा, देख के आते. सुपर कार, सुपर कार का नाम से हम लोगों को एक सुपरा दिख रही है. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई, फाइनली एक सुपर कार हम लोग खरीदने वाले हैं आज, सुपरा खरीदने वाले. आंटी जी आप कीमत बता दीजिए, हम आएंगे और आपसे सुपरा. जान दो, ये हमारे औकात के बाहर है फिलहाल तो भी, बट हाँ आज हम लोग कोई भी हालत में एक सुपरा तो खरीदने वाले हैं. और ये कैमरा क्या हो जाता है मेरे भाई, कैमरे की क्या सीन है, मेरे को समझ में नहीं आता, बिल्कुल एकदम से ग्लिची हो जाता है. कस्टमर भी ऑफिस आ चुके हैं, ये सब चीज़ें भी हो रही है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. मैं सोच रहा था कि एक गाड़ी बढ़िया सी लेके जाए और उसको वो बेच मारे, सस्ती गाड़ियाँ ही दिख रही है मेरे को हर जगह. क्या हो रहा है आज नेबरहुड में, कुछ अच्छी गाड़ी है उधर उधर, उधर अच्छी गाड़ी नहीं है, इधर भी अच्छी गाड़ी नहीं है, ना गाड़ियों का तो बिल्कुल चूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे. ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो दिख रही है ना सामने में, ये ऑडी शायद, क्या गाड़ी है मेरे को भी समझ में नहीं आता, BMW टाइप है, बट देखते हैं. हाँ BMW ही है, तो इसको 19,000 बोल रहे, तो मैडम इसको हम लोग को 17,999, 16,999 में अगर आप दे रहे हो तो हम लोग फटाक से उठा लेंगे गाड़ी को. ओके, तो फिर क्या 17,000 इतने में तो देना ही चाहिए आपने. थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी गाड़ी दे दी. अरे ये कैमरे का एंगल की तो, इसको टो कर देते फटाक से. और हाँ अभी हम लोग चलते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि कस्टमर आ चुके हैं मेरे. गाइस फटाक से चलते हैं, हम लोग को सुपरा जो सामने खड़ी है वो मेरे को चाहिए, हमको बहुत जोर से चाहिए वो सुपरा. तो 80,000 का है, हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, अभी सिर्फ 11 बजे गाइस, फटाफट जाके हम लोगों को वो सुपरा बेच, सुपरा खरीदना है आज का टारगेट है कि हम लोग सुपरा खरीदें. और ओ भाई क्या जंप लिया इसने, तो ठीक है चलते हैं फटाक से ऑफिस में और देखते हैं ये क्या बोलते हैं हमारे कस्टमर्स. और ये भाई ये क्या कस्टमर का मेला लगा हुआ है गाड़ियों के लिए, जो अच्छी कीमत देगा वो गाड़ी ले जाएगा. ठीक है, तो 29,000, ये क्या बोलती है 24,500. ओके, ये मैडम क्या बोलती है, मैडम ले जाओ ना इतने कीमत में, क्या आपको 24,400. ओके, ये सर क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलो यार, कुछ थोड़ा सा, कुछ थोड़ा जम के बोलो, ये भी नहीं होना, इसको डोनेशन करते हैं. ओके, तो मैडम एक काम करो, आप ना मुझे 27,000 दे दो, क्या बोलते हो गाइस, 27,000 दे दो आप और गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी हुई आपकी. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम, आप जा सकते हो. ये क्या है, ये तो एक में घुसे हुए है. ठीक है, 20,000 बोला है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ते में बेच रहा हो, डोंट सेल, सब निकलो, हमको सस्ते में तो बेचना ही नहीं है. 18-19 दो यार, बढ़िया, डोंट सेल, तुम भी जाओ. अरे दुखी हो रहे हैं लोग बिल्कुल भी, इतना सस्ता प्राइस रखा है तो भी दुखी हो रहे हैं, ये भी नहीं होना हमको, डोंट सेल. सर जी आप बताइए, आप थोड़ा सूट बूट में आए हो, अच्छे अच्छे प्राइस में ले लो यार, थोड़ा सा गरीब को हेल्प कर दो. अरे आप तो बिल्कुल गिरे हुए हो एकदम, अरे कस्टमर ख़त्म ही हो गए पूरे तो. जी मैडम जी बोलिए, आपको हम कार भेज देंगे, अच्छा थोड़ा बोलो और हम आपको कार भेज, ओ ये बात मैडम जी, 16,000 में ले लो आप गाड़ी, आपको भेज देंगे यार, आपके बाल बाल ही हमको पसंद आए. थैंक यू वेरी मच, और 67,000 मिल गए. और वो अगर गाड़ी हम लोगों ने बेच दी तो आई गेस हम लोग सुपरा खरीद सकते हैं. तो भाई साहब आप ना फटाक से मेरी गाड़ी रिपेयर कर दो और ना हम लोग इसको फटाक से फिर बढ़िया सा, एकदम बढ़िया सा मज़ेदार गाड़ी लेके आएंगे. ओके, तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं. और ऑफिस इज डर्टी, यू हैव अनपेड बिल्स, आई डोंट नो हाउ माई ऑफिस इज डर्टी, बट लेट्स चेक. कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई, कुछ भी कचरा नहीं है, बिल्कुल रोज झाड़ू मारता हूँ मैं यहाँ पे एकदम बढ़िया सा. क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ऑफिस इज डर्टी, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऑफिस ऑफिस हम बढ़िया चकाचक रखते हैं. और मैं भूल जा रहा हूँ कि मुझे गाड़ी रोज क्लीन करना है, ताकि ना हम लोगों को स्किल पॉइंट मिलते रहे, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ. अरे भाई ये तो काफ़ी डेंट पेंट लगे हुए गाड़ी को. जी भैया जी 50% हुई है, हाँ मैं रुक रहा हूँ ना, मैं रुकता हूँ, चाय पानी लिए, सुट्टा उट्टा मारते हैं हम लोग. ओ नो नो, मैं सुट्टा नहीं मारता. ओके, तो गाइस हम लोग अभी तक वहाँ पे भी नहीं गए, आज तक हम लोगों ने ना उसमें जाके
बेट की है, क्या बोलते हैं, हाँ ऑक्शन में भी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, और रेसिंग वेसिंग का भी खुला है तो वो भी देखना है। काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें अपडेट हो रही है गेम में। हाँ देखेंगे, फिलहाल हम लोगों को थोड़ा मिलेनियर बनने दो यार, ऐसा आ जाए तो सब बिल्कुल, फिर वो ना बढ़िया शौक होता है। और ये हाँ, ये भैया एक चेयर ना बाहर रखा करो यार आप बैठ। अरे थैंक यू यार भैया जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका। हमको ना 2 बज गए, फटाक से गाड़ी को रिपेयर करना है, फटाक से इसको एनओएस उनएस बढ़िया अपडेट करते हैं ना बढ़िया, और इसको लेके चलते हैं मस्त बेचने के लिए। और जैसे ही बेच के ना हम लोग बढ़िया तगड़ा पैसा कमाएंगे। भैया जो जो भी है आपके पास पूरा अपडेट कर दो इसमें। चलो ठीक है, भैया से बात करते, मेरे को ये भी होना, 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 ठीक है, मेरे को सब कुछ होना, ठीक है, थैंक यू भैया। अभी ना हम लोग इसको लेके चलते हैं सीधा अपने, कहाँ लेके जाना है हमको, हाँ हम लोग अपने शोरूम में लेके चलते हैं, और फटाक से इसको बेचने को डालते। गाड़ी देखो ना भाई, गाड़ी देखो ना आप, और चलो काफिला जा रहा है थोड़ा, ये हमको डैमेज नहीं करना, डैमेज अगर होती ही ना गाड़ी तो हमारे बिल्कुल मैंने बिल्कुल पैसे का बिल्कुल कुछ पैसा है ना हमको मिलेगा ही नहीं, और हमको सुपरा खरीदना है। ठीक है, ये गाड़ी हमने लगा दी, फटाक से टैबलेट ओपन करो ना मेरे भाई, अभी तो हम लोग टैबलेट से ही कर सकते फटाक से। हाँ तो इसको हम लोग ने 17 और 3, हाँ 20 21 में हम लोग इसको 40,000 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जितना मिलेगा उतना देखते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा, आओ भाई कस्टमर, कस्टमर आ जाओ फटाक से, और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ हम लोग ऑफिस ऑफिस भी अपग्रेड कर सकते हैं जितना मुझे पता है, बट हाँ हमारे पास अभी हाँ औकात नहीं है बात ठीक है, बट पैसे नहीं है, वो भी सही बोल सकते हो। तो ठीक है, कस्टमर का थोड़ा सा वेट करते हैं, आई गेस कस्टमर आ जाना चाहिए, और हमको सुपरा खरीदना है। 3 बज चुके हैं गाइस, अपने पास बहुत कम टाइम है, कस्टमर का थोड़ा सा वेट करते देखते कस्टमर आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और हाँ तब तक, अरे भाई और तब तक ना अपन एक काम कर सकते हैं ना, गाड़ी को बढ़िया चकाचक भी कर देते तो ओ कस्टमर आ गए, कस्टमर आ गए, कस्टमर आ चुके हैं। तो ठीक है, जब तक वो वहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं, गाड़ी उड़ी देखते हैं, तब तक हम लोग ना गाड़ी साफ कर लेते थोड़ी बहुत। ओके हाँ तो मैडम जी आप बताइए कितने में लोगे गाड़ी, 40,000 ज़्यादा नहीं मांग रहे, ओके 30,000 बोल रहे मैडम, और आप बताइए मैडम आप कितने में लोगे, मैडम 35 उतीस बोलो यार, अच्छा थोड़ा सा 29, आप तो चले जाओ घर को, आपसे तो कुछ बात ही नहीं करना है हमको। ये मैडम का देखते, अगर थोड़ा 31 32 34 बोलते तो मज़ा आ जाएगा मैडम, 40 बोला है हमने, ज़्यादा नहीं बोला है, 30,500 तो बार्गेन करते हैं, 35,600 दे दो यार, ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोगों को सुपरा खरीदना है। तो एक काम करिए ना मैडम, एक काम करिए ना, आप चले जाइए, आप चले जाइए मैडम यहाँ से, आप चले जाइए। सर देखते हैं सर कितना बोलते हैं, हाय ब्रो, हाँ हाउ आर यू ब्रो, ठीक है हाय बाय तो चलते रहेगा। ओ भाई ये तकड़ा दे रहा है ना बिल्कुल, 36,000 दे दे मेरे भाई, वो गाड़ी लेते हैं, तू लेते जा यार, डबल में बेच रहे हैं हम लोग। ओके तो तू 34,000 में लेके जा, 34,000। ओ भाई चलो फटाक से ऑफिस बंद करो और सीधा चलते हैं नेबरहुड। और हाँ आज हम लोग सुपरा लेके आएंगे, 5 बज गए, सुपरा को लेके आना है हमको नेबरहुड पे, पहली सुपर कार, पहली सुपर कार। चलो 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 भागो भागो, जल्दी भागते हैं, फटाक से लेके चलते सुपरा को। हाँ और आज गाइस हमने हमने ऑलमोस्ट 98 यानी 1 मिलियन के करीब हमारा जो टारगेट था उतना हम लोगों ने कर लिया है, तो फटाक से सुपरा खरीदते हैं और अपन निकल लेते हैं। जी भैया जी, 83 बोल रहे हो आप हमको ना, 80 में दे सकते हो क्या, 77 में दे सकते हो क्या, दे दो यार भाई, ये तो पहले ही मान लिया, वो तो बिल्कुल जैसा हमको, हाँ। और आज हम लोग ना सुपरा चला के देखने वाले, और बिल्कुल भी डैमेज नहीं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। अरे क्या गाड़ी है मेरे भाई, वाह मज़ा आ गया इसमें तो, एनओएस वगैरह लगा बिल्कुल। ओ भाई क्या गाड़ी है, एक नंबर, मज़ा आ गया बिल्कुल, ओह एकदम बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल चलती है फट फट, बिल्कुल आवाज आ रहा है तो, वाह मजे आ गए गाड़ी चला के, और कंट्रोलिंग क्या है भाई, बस ठोकना नहीं है हमको गाड़ी। हाँ चलो ओके गाइस, फाइनली ना हम लोग कार मार्केट अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, कार मार्केट आ गया, चलते फटाक से इसको चलते, थोड़ा पेंट शेंट करते मस्त, और हाँ हम लोग लेके चलेंगे अपने दुकान में। तो आई गेस हम लोग आ चुके हैं, क्या हम इसको रिपेयर तो करना नहीं है, और इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, तो हम लोग इसको, अरे भाई पेंटिंग के लिए वेट करना है क्या हमको, भाई निकाल जल्दी फटाक से, जो भी कर रहा है कर, हम लोगों को इसको लेके चलना है, और निकालो भैया कितना टाइम लगाओगे,
अरे क्या कबाड़ को पेंटिंग कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कबाड़ क्या पेंट होता है क्या। तो हम लोग ना इसको बढ़िया सा पेंट देते, क्या पेंट देना चाहिए आप मुझे बताओ, क्या हम लोग लाल करें इसको थोड़ा सा लालिश, या फ्लोरोसेंट करते हैं मस्त एकदम बढ़िया एक नंबर, मज़ा आ रहा है बिल्कुल फ्लोरोसेंट चकमगाती कार। और थोड़ा सा पॉलिश कम करें क्या गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा पॉलिश कम करते, नहीं अच्छा नहीं लग रहा पॉलिश, मेटालिक थोड़ा सा बढ़ा दे। ओ भाई ये तो तगड़ी लग रही है मस्त, बिल्कुल चिकनी गाड़ी लग रही है एकदम, थोड़ा सा पॉलिश बढ़ा देते इसको थोड़ा करके, और ये पॉलिश ये हो गई हमारी गाड़ी बिल्कुल चकाचक। तो ये करते हैं बैक और मस्त गाड़ी इसको चमकाएंगे मस्त, और इसको लगाते भाई आवाज़ तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। और ये हो गई रात, तो हम लोग ना पटाख से अपनी गाड़ी लेने के देने पड़ गए मेरे भाई, ये तो डैमेज कर दिया, पर कोई नहीं गाइस हम लोग ना पटाख से सोते हैं और दूसरे दिन करते हैं। और आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना इसको बढ़िया सा पार्क करके बेचने के लिए रख देंगे, मेरे को इसको अभी रिपेयर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ना, तो ये रिपेयर वगैरह हम लोग नहीं करेंगे अभी फिलहाल, इसको जैसा है वैसा ही रखते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ आप लोग मुझे कमेंट करिए कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए ताकि बढ़िया बढ़िया करें यार हम लोग, मस्त मस्त से चीज़ें करें। तो ये गाड़ी हम लोगों ने बंद करते इसको रख देते आज की तारीख में यहीं पे, और सीधा चलते सोने, और दूसरे दिन हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग कर पाते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने कंटेनर में, छोटा सा कंटेनर है बट थोड़ा घर लेंगे यार हम लोग, थोड़ा रईस वईस बनेंगे, बट फिलहाल जो भी है उतने में हम लोगों को संतुष्ट रहना होगा। तो आज हम लोग 22,000 के प्रॉफिट में तो है, बट प्लस हम लोगों ने एक सुपरा भी खरीदी है, आप हम लोग नहीं भूल सकते कि हमारे पास उतना पैसा है जिससे हम लोग ये 1.5 लाख में बेच सकते गाइस। और ये पता नहीं ये कचरा फिर से दिख रहा है मुझे, ये कचरा उठाते तगड़ा सा और इसको लेके चलते, इसमें डालते हैं और ये भी उठाते और इसमें डालते। तो क्या हमारे पास स्किल पॉइंट है, सॉरी इससे नहीं, क्या हमारे पास स्किल पॉइंट है, नहीं, अभी भी नहीं है। तो ठीक है हम लोग ना इस गाड़ी को करते हैं बढ़िया साफ, और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, कितने में बेच सकते हैं, फिलहाल तो इसको चकाचक करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कैसी बनती है, क्या लग रही है गाड़ी मेरे भाई। और हाँ हम लोग अपने लिए भी कुछ गाड़ियाँ रखेंगे बट फिलहाल तो भी नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही रखने वाले हैं, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अमीर बनेंगे तो एक से गाड़ियाँ खरीदेंगे यार, और आदमी भी रखेंगे साफ सुफ करने के लिए, हम ये छोटा मोटा काम थोड़ी करने वाले आगे चल के। तो काफी गंदी है गाड़ी, इतनी धूल, बाप रे कहाँ से आती है इतनी धूल। ठीक है फटाक से गाड़ी को साफ करते, और मेरा ये कहना है कि गाड़ी साफ करके ना हम लोग इसको सेल पे भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल तो भी नहीं हम लोग इसमें, क्या आपको लगता है कि हम लोग इसको रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा जो हमने ठुकाई की है गाड़ी की तो क्या रिपेयर करना चाहिए हमको। मुझे तो ऐसा नहीं लगता हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें NOS वगैरह ऑलरेडी है, तो अच्छा पैसा मिल जाता है सुपर कार का मुझे जितना पता है। तो लेट्स चेक गाइस, ये यहाँ पे आखिरी ये बस इतना हो जाए तो हमारी गाड़ी बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। और हाँ तो फाइनली और कहाँ बचा है मेरे भाई, ओहो ये उसका नीचे का भी हिस्सा काफ़ी गंदा है। तो आई गेस 8:52 है और आज कार मार्केट भी ओपन होने वाला है, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और फाइनली हमारी गाड़ी चमचमाती गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है तैयार। तो क्या ही लग रही है मेरे भाई गाड़ी, वाह, तो जैसी गाड़ी लग रही है ना मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम, बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा है गाड़ी को देख के। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग आज गाड़ी का सेल नहीं करेंगे, हम इस गाड़ी को सेल नहीं करेंगे आज, और क्या बोलते हो, तो तब तक गाड़ी को सेल पे लगा देते हैं गाइस, गाड़ी को सेल पे तो लगा देते हैं, फिर बात की बाद में देखेंगे। और देखते हम लोगों ने ये गाड़ी लाई थी 77+600, ओके 63 में पड़ा, तो हम लोग इसको लगाएंगे 1,25,000, इससे तो कम में बेचना ही नहीं है हमको। ठीक है तो ये हो गई हमारी गाड़ी रेडी, तो इसको हम लगाएंगे बढ़िया सा सेल पे और देखते हैं कि हमको कितना इसका प्राइस मिलता है। हाँ तो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट गेम में देखेंगे कि ये गाड़ी कितने में बिक सकती है, हमको पता चलेगा। और हाँ हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर आपको ये गेम प्ले सीरीज ऐसी ही आगे भी देखने हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना गाइस, ऐसे ही हम लोग गेम प्ले आते रहेंगे।
तो मैं मिलता हूँ आपको अगले गेम पे वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।